वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल में अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ राशि सेख। तो आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करूंगा, ये मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे। इस मूवी को डायरेक्ट किया शशांक घोष, समित बासु, और इसमें हमें नजर आते हैं अली फजल, जिम शरफ, सैफ पिलगांवकर और बरकात सिंह। ये मूवी की लेंथ लगभग 1 घंटे 44 मिनट की, और ये एक लाइट कॉमेडी फिल्म है। मैं आप लोगों से पहले बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी कॉमेडी फिल्म नहीं जहाँ पर अक्षय कुमार या गोविंदा की फिल्में देखकर आपको जिस तरह की हंसी आती वैसी फिल्म नहीं है। ये एक उन ऑडियंस के लिए बनाई गई फिल्म है जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस कही जाती है, यानी कि जो ऐसा हाथ बंद करके अगर कॉमेडी सीन भी देखा बस ये उन्हीं के लोग के लिए, ये मास ऑडियंस के लिए नहीं जो पेट पकड़ पकड़ के हंसने जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है करण। करण दिल्ली में रहता है। करण का रोल यहाँ पे प्ले किया अली फजल ने। वो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जॉब सबसे इतना ज्यादा बोर हो चुका है, वो चाहता है कि एक दिन अपने घर में रहे, सिर्फ किसी से भी बात ना करे, मतलब कोई उससे मिलने ना आए, वो अकेला रह जाता है। लेकिन ये एक दिन कब 9 महीने में बदल जाता है ये उसको भी पता नहीं चलता, और आज भी वो सेल्फ सेटिस्फाई हुआ नहीं, यानी कि वो आज भी घर में ही रहना चाहता है। मतलब वो इतना ज्यादा परेशान हो गया बाहर से कि वो बाहर जाना ही नहीं चाहता, और घर में उसको सुकून ही नहीं मिल रहा है। तो वो फिर भी कोशिश करता है कि कोई एक दिन तो ऐसा मिले जहाँ पे उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता और कौन कौन लोग उसे डिस्टर्ब करते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से वो बाहर जाना नहीं चाह रहा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी हाउस अरेस्ट। अब बात करते हैं ये मूवी मुझे कैसे लगी। तो यार ये मूवी मुझे एक टाइम पास लगी, एक लाइट कॉमेडी फिल्म होने की वजह से जो कॉमेडी सीन है वो काफी कम है, और जितने भी आपको हंसी आती है यहाँ पर आपको खली का पार्ट 2 देखने को मिलेगा, राजपाल यादव का जुड़वा भाई देखने को मिलेगा, सीरिया पिलगांवकर और बरका सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा है। जिम शरफ की बात करो, जिम शरफ ने जेडी का रोल प्ले किया, यानी कि करण के दोस्त जेडी का रोल प्ले किया, जो कि अपने घर से हमेशा करण को कॉल करके इरिटेट करता है, या तो कुछ लड़कियों की बात करता है या तो फिर सेक्स की बात करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से ये एक टाइम पास मूवी, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग उसको देख सकते हो, ज्यादा दिमाग के घोड़े मत चलाना, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो इसका कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अलग हटके लगा, क्योंकि मैंने इस तरीके की कॉन्सेप्ट पे बनी फिल्म नहीं देखा, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा। अली फजल का परफॉर्मेंस तो एज यूजुअल हमेशा अच्छा ही होता है, और वो हर एक फिल्म से वो अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर ये मूवी आपको देखना है तो आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो यार इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय, दुआ में याद रखना, और हाँ हमेशा हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट की वजह से आज हमारा चैनल 2000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है। तो मैं